बदमाश बच्चा जेंटलमैन, बदमाश बच्चा जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट दो दिन से मेरा हालत इतना खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है वेदर की वजह से। सर्दी के कारण ना नाक बिल्कुल बंद है, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ रहा है। सर्दी खांसी के टाइम में एप्पल साइडर विनेगर सही रहेगा? हाँ, पहले तुम गर्म पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ थोड़ा सा। बहुत दिनों बाद एक्चुअली गर्म पानी पी रही हूँ। हमेशा सुबह उठने के बाद मैं एप्पल साइडर विनेगर, मैं और मिथुन हम दोनों ही एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, पर आज मेरा मन नहीं करे कि एप्पल साइडर विनेगर लूं। गले को थोड़ा सा ठंडक मिल रही है, तबीयत अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितना स्किप करूंगी उतना आदत बनती जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या इसे हटाओ, जब मेरा शूटिंग हुआ ना और मैं फेसबुक लगाई हूँ, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। कुछ और जगह पर रखो। नो बाइटिंग। आईफोन चाहिए, ये स्प्रे सारे चाहिए। स्प्रे खत्म हो चुका है और दो जगह पे खत्म हो चुका है। और क्या चाहिए था? वो बनाना चिप्स था ना, वो बहुत टेस्टी था। नॉर्मली बनाना चिप्स हम लुलू से भी लेते हैं, पर फ्लिपकार्ट पे जो बनाना चिप्स मिलता है, चलो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये वाला था ना, ये वाला, ये है बियॉन्ड का स्नैक केरला बनाना सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर चिप्स। ये सब ले रहा हूँ। किसान का जैम फ्री में मिल रहा है 1 रुपया में। ओके। और कुछ पेरी पेरी पीनट्स मिल रहा है फ्री में, वो एक ले रहा हूँ। हार्पिक ले रहा हूँ, टोमेक्स ले रहा हूँ, विम लिक्विड ले रहा हूँ, ब्रोकन कैश्यू। अभी दिवाली के टाइम में वैसे जरूरत भी है ब्रोकन कैश्यू की। मैदा, बनाना चिप्स और एयर फ्रेशनर्स और लाइजर। ठीक है। वैसे मुल्तानी मिट्टी रिमूव करने में बहुत मुश्किल होता है, पर अगर एक नैपकिन ऐसे गीला करके फिर आप हल्के हल्के से इसे रब करते रहो ना, तो बहुत जल्दी निकल जाता है। और दूसरी बात है कि मुल्तानी मिट्टी ज्यादा थिक अप्लाई मत कर। अजीब है भाई, जब भी घर में बनाना आता है इन लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए बनाना आता है। मम्मा खाएगी, मम्मा खाएगी, ये छोचू माइलो। मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, पूरा फर्श ना बिल्कुल गीला हो जाता है। दो पैर फिसल के वो गिर जाएगा, कमर टूटेगा, पैर टूटेगा। वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है अभी। सीताफल, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, इसे हम कहते हैं आता, बंगाली में इसे हम आता कहते हैं। ऑस्कर का वॉक हो गया, ऑस्कर को छोड़ के अभी वो जो वॉकर है वो माइलो को लेके गया है, एक एक घंटे करके दो दो घंटे वॉक करता है। और यहाँ पे लंच की जो तैयारी है वो भी मैंने कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है एक बॉयल है, ये है मूंग दाल जो कि सब्जी के साथ मैं बनाऊंगी, और मूंग दाल अगर इसे भिगो के रखती हूँ ना तो ये जल्दी पक जाता है। और यहाँ पे अभी बनेगा कोकोनट के साथ बीन्स फ्राई, बहुत अच्छा लगता है। बस यही आज का हमारा लंच, तो झटपट से बना लूंगी क्योंकि आज हमें बाहर भी जाना है। एक्चुअली हमारे मास्टर बेडरूम का जो जेट स्प्रे है उसका जो पाइप है वो लीक हो गया है, पानी गिर रहा है वहां से, तो वहां पे एक टेप लगा के हमने रखे क्योंकि पानी वेस्ट हो जाएगा, और अभी जाके उसे चेंज करके आएंगे। एंड उसके बाद हमें जाना है नेट लगवाने। ये जो नेट है ना, इसे माइलो किसी दिन उसे जाना ही है बाहर, में इसे बंद करके रखा था तो उसे जाना ही है, तो देखो बिल्कुल मतलब तोड़ दिया है इसे एकदम से। अभी दिवाली के टाइम में ऐसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बाहर लाइटिंग होगा, वहां पे दिया वगैरह लगेगा, वहां पे अगर ऐसा दरवाजा हो तो कैसा दिखेगा, तो इसलिए इसे भी हमें बनवाने के लिए जाना है, क्योंकि जो वर्कर है वो जो घर के काम करते हैं उनको बुलाना है, वो इसे खोल के ले जाएंगे आउटसाइड में कॉरिडोर में बैठ के वो बना देता है। ऑस्कर जब छोटा था वो एक बार उसे तोड़ा था, और अभी माइलो छोटा है उसने और एक बार तोड़ा, दो बार इसे हमने रिपेयर की। मैं जिनका ये दो शर्ट धुल चुके हैं, तो इसे मैं अभी आयरन करने के लिए देके आऊंगी। गले में नेकलेस, वाओ, गले में नेकलेस। हाँ, नेकलेस ओपन करना है। अरे दोनों का ही पहना हुआ है क्या? उसका खोल दिया था मैं आने के बाद। अच्छा, एक खुल गया, खुल गया, माइलो का खुल गया नेकलेस। ये देखते ही दोनों का मतलब आंखों में लड्डू फूटने लगता है कि हाँ ये अभी पहना गया, इसका मतलब है अभी हम वॉक करने निकलेंगे, और अभी मम्मा डाडा को बाहर निकलना है, थोड़ा सा काम करना है, फिर वापस आके खाना खिला देंगे। वन आवर वन एंड हाफ आवर
कॉफी पीते हुए आपको वो बैड न्यूज सुनाऊं। इतने दूर से जो मैं सोच रही थी मेरे किचन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आपको पता है पूरे घर में क्या हो रहा है, क्या इंटीरियर है, इसको लेके मेरा कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे भी हो ठीक है, रहने के लायक हो तो ही चलेगा, पर किचन को लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। पर अभी इंटीरियर वाले मतलब चार इंटीरियर हमने देखे थे तो अभी सिलेक्ट किया था दो और अभी तो एक सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि अगर उस टाइप के आप किचन बनवाते हो यूरोपियन स्टाइल में, इंडियन खाना वहाँ पे मत बनाना, क्योंकि इंडियन खाना में जो ऑयल जो मसाले चारों तरफ बर्फ फैल जाएगा ना। पहले पहले दो तीन महीने तो ठीक है, उसके बाद नया किचन है अच्छा लगेगा, पर उसके बाद आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। लेकिन सोमाली का जितना भी मूड खराब हो एक कप कॉफी से उसकी मूड बन जाती है, तो मेरा दिल जुड़ जाता है, मेरा मूड ठीक हो जाता है कॉफी के साथ। पर सच में बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी मेरे किचन को, स्पेशली मेरे किचन को, पर वो जब नहीं हो रहा है ना तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नो वैसे एक शुगर के पैकेट में कुछ होता भी नहीं है। मेरा नो शुगर है। मैं नो शुगर बोला? ठीक है बाद में रख देंगे, बाद में रख देंगे। मूड एक ऐसी चीज है जो कभी भी बन सकता है, कभी भी बिगड़ सकता है, इसलिए बोलता हूँ ज्यादा स्पेंड मत करना। देखो दो कप कॉफी में निपट गया, पेस्ट्री खा के क्या होगा, वेट बढ़ेगा। मिथुन का दिवाली शॉपिंग। दिवाली है खुशियों का त्यौहार, तो उसमें कुछ शॉपिंग तो होना चाहिए। चप्पल सैंडल वाला चीजें, कपड़ों की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। इसे कहते हैं शॉर्टकट, मतलब दिवाली मनाओ पर दिवाला नहीं निकलना चाहिए। सॉक्स पहनने का प्रॉब्लम नहीं लेकिन जूता जैसा ही लगता है। मोमाली अपने दांतों में से खाना निकल रही है लाइफ स्टाइल में। ठीक यहाँ पे लगा हुआ था कॉफी पीने का, वो ठीक करी झूठ बोल रहा है। कल क्या खाए थे, पालक पनीर। काजल चाहिए, काजल एंड आईब्रो डिफाइनर। यू नीड अ रोटेटिंग काजल और पेंसिल शार्पनिंग वन मैम? रोटेटिंग इज फाइन, रोटेटिंग इज या आई विल जस्ट शो यू द टेस्टर। इट्स अ वेरी जेट ब्लैक, ओके, इट्स लाइक अ वाटरप्रूफ एंड स्मच प्रूफ आल्सो। जस्ट क्लोज योर आईज एंड नो ठीक ठाक है, पता नहीं मतलब थोड़ा सा मोटा तो दिख रहा है। लास्ट टाइम एक्चुअली राइस का नाम मुझे याद नहीं है। इतना छोटा बैटरी किस चीज के लिए है? ये वो जो हमारा लाइट है ना शैंडलियर, अच्छा उसका रिमोट था, ये मिलता नहीं है, आज मिल गया तो ले लिया इसीलिए। गुड, इसको बोलता है 27A या A27 बैटरी। हेलो मेरी दो खूंखार रतन। पहले सोचा था कि खाना बना के जाऊंगी, पर उसके बाद मिथुन बोल रहा है कि अभी खाना बना के जाओगे तो वापस ज्यादा लेट हो जाएगा, तो सारे काम निपटा के आ गई। पर जब भी किचन में आती हूँ ना तो मैं नए किचन की बात मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। नए किचन में जो आइलैंड होने वाला था वो आइलैंड भी कैंसिल हो गया है। हो गया मेरा एक करी रेडी और यहाँ पे कोकोनट एंड बीन्स का फ्राई भी हो चुका है, पर उसके बाद मैं इसे छौक लगा दूंगी। और हाँ, आइलैंड किचन की जो मैं वो बात कर रही थी, तो आइलैंड किचन क्यों नहीं पॉसिबल है, तो उन लोगों ने कहा अगर आपका जिद है कि आप करना ही चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर आइलैंड किचन हमेशा किचन के अंदर होता है, पर आपका किचन इतना छोटा है कि अगर आपको आइलैंड किचन करना है तो आइलैंड को बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि डाइनिंग स्पेस पे करना पड़ेगा। तो डाइनिंग स्पेस पे अगर आप आइलैंड करोगे तो इसका क्या मतलब है आइलैंड किचन का, वो तो डाइनिंग टेबल के बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद हमने सोचा हाँ डाइनिंग टेबल का डिजाइन अलग होता है, आइलैंड का डिजाइन थोड़ा सा अलग होता है, पर होगा तो वो डाइनिंग स्पेस पे ना, तो चौड़ा नहीं है एक्चुअली। लंबे पैटर्न का जो किचन है वहाँ पे आइलैंड किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो कि मेरा किचन है चौड़ा ही जिसका ज्यादा है, उसके बीच में अगर आइलैंड बिठा दिया जाए तो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें समझाने के बाद दिल से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये बड़ा घर है, अपार्टमेंट नहीं, परमानेंट होता है तो नहीं हो रहा है, पर हाँ वहाँ पे हम डाइनिंग टेबल लगाएंगे। पर हाँ हमने जो सोचा था कि ये ब्रेकफास्ट काउंटर हम कुछ नहीं बनाएंगे जबकि आइलैंड बनाएंगे, तो यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट काउंटर बनाएंगे प्रॉपर वे में, ऊपर से जैसे कि हैंगिंग लाइट होता है वो भी आएगा, सब कुछ प्रॉपर आएगा, और जो बार चेयर्स होते हैं बार सीट जैसे जैसे हाइट पे होता है तो वो भी लगेगा, ऐसा कुछ होगा। पर सामने जो डाइनिंग स्पेस है वहाँ पे प्रॉपर डाइनिंग टेबल आएगा, और अभी का जो किचन डिजाइन है वो मैं आपको दिखा दूंगी पर प्रॉपर कलर नहीं दिखा पाऊंगी, होगा ऑलिव कलर एंड क्वार्ट्ज जो होगा वो होगा येलो का, क्वार्ट्ज यहाँ तक फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे कोई टाइल्स या लैकर कुछ नहीं होगा, जो क्वार्ट्ज यहाँ पे रहेगा ना वो एकदम से यहाँ तक होगा, ऐसे ही प्लान है। के साथ साथ अगर थोड़ा सा गाना हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा।
मैं कर लेता हूँ बम के मैं चम्पी करूँ जम के चम्पी तो मैं करी हूँ ना। अच्छा तुम कर रही हो, तो ऐसा गाना गाओ तुम, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। अभी आप बताना कि किसका आवाज ज्यादा सुरीला है या सुरीली है। ऑब्वियसली मेरा, कोई शक? बहुत बड़ा बड़ा शक। कोई अगर आराम करवाते ना तो उनके आवाज ऐसे सुरीला निकलता है और मेहनत करने वालों का आवाज ऐसे फट जाता है। सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा है ये हमारा। सारे सामान चेक कर रहा है कि सारे सामान ठीक ठाक से आया है कि नहीं, और ये लुलू से सारा सामान आ गया है। इसमें है राइस, वो भी 10 किलो। एक मिनट देखते हैं कि मामा ये उठा पाता है कि नहीं। मेरा देर से ना थक गई है। बाहुबली का जब बाहु गिर जाता है ना तो देर से ना का यही हालत हो जाता है। इसमें भी है कई सारे सामान, वो भी आर्यन का। चलो 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 दादा भाई का सामान रख देते हैं। किचन में खाना बनता हो ना तो माइलो का जो पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसा रहता है। ये है माइलो का पोजीशन, और अभी थोड़ी देर में ना ये दोनों साइड से ना ऐसे पानी टपकेगा फ्लोर पे। डरा बहुत लेट कर रहा है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे धीरे। नो नो धीरे, नो सीट, नो नो नो। यस तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि अभी काफी टाइम भी हो चुका है, 2 बज चुके हैं दोपहर के। ये है मेरा सेंसर। खाने पीने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेटने आई हूँ, और देखो तो चलिए अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि दोपहर को खाने के बाद मेरा और जो एनर्जी लेवल है वो इतना 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 हो जाता है। उसके बाद जब थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको नींद ही आए, पर थोड़ा सा अगर मैं रेस्ट ले लेती हूँ ना तो शाम को उठने के बाद फिर से एकदम जबरदस्त फुल बैटरी के साथ मेरा एक्टिविटी चलता रहता है। कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है ना एवरीडे। तो चलिए आज इस वीडियो को एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। I think I like it how it is.